market is shooting like semen, yaar. Yeah. Yeah, it's my shot. Good evening, sir. I'll call you back. Good evening. सर, क्या हम आपके 2 मिनट ले सकते हैं? दो क्या, 10 मिनट ले सकते हैं? But I don't know who are you. सॉरी सर, गलती हो गई. सर, हम लोग क्राइम सर्विस ब्यूरो CSB से आए हैं. ये है मिस डी सुहासनी और मैं हूँ सुरेश शमशेखर. ये CSB क्या है? सर, ये एक रेपुटेटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है. अगर आपकी किसी से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर. I didn't get it. वेरी सिंपल सर, मैं समझाता हूँ आपको. सर, सपोज कीजिए कि आप एक मकान मालिक हैं और अपने किराएदार को जबरदस्ती घर से निकालना चाहते हैं, या आप खुद किराएदार हैं और आपका मकान मालिक आपको जबरदस्ती घर से निकाल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सर, वी आर वेरी क्विक, एफिशिएंट एंड वेरी प्रोफेशनल, बट लिटिल कॉस्टली. सो आप गुंडे प्रोवाइड कराते हैं? आप उन्हें गुंडा नहीं कह सकते सर. सर, एक्चुअली वी प्रोवाइड यू हेल्प. वी आर प्रोफेशनल. प्रोफेशनल गुंडाज. सर, बेटर यू कॉल अस प्रोफेशनल्स. पर हम इस बारे में आपसे बहस नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिखाया गया है कि सीनियर्स से बहस नहीं की जाती. ये हमारे संस्कारों में ही नहीं है सर. सर, वी आर कंप्लीटली प्रोफेशनल्स, बट आपको जो पसंद हो आप कह सकते हैं. वी डोंट माइंड. और क्या क्या सर्विस देते हैं आप? एनीथिंग सर, जिससे आपके ऊपर संकट के बादल छट जाए. सपोज कीजिए कि आपको कोई मारना चाहता है और वो बहुत ताकतवर है, उसके बहुत पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, उस हालत में भी हम उसको ठिकाने लगा सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर. और अगर सपोज मैं चाहूं कि आप उसका मर्डर कर दो तो? दैट्स ऑल अप टू यू सर. अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा भी कर सकते हैं. हमने आपको पहले भी कहा था, वी आर परफेक्टली प्रोफेशनल्स, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. गुड. आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या मैं किसी का मर्डरर हूं? सॉरी सर, हमें आपके ही मर्डर का ऑर्डर मिला है. क्या कहा तुम लोग? मर्डर करोगे मेरा? जी सर. देन शूट. Shoot! Come on! सर, आपको ये मजाक लग रहा है लेकिन हमें आपका मर्डर करना है आज और अभी. Enough! Get out! I said get out! सर, चुप! सर सर करता है, get out! सर, आप हमको प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं. हम प्रवोक नहीं होते सर. वी आर सिंपली डूइंग अवर जॉब. वी आर पेड फॉर इट. वी आर हेल्पलेस. इसलिए अब आप अपना दिमाग ठंडा रखिए. डोंट टच. और जो सच है उसे एक्सेप्ट कीजिए. अब आप बच नहीं पाएंगे. इसलिए अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे. सुना है आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है. हम साथ लेकर आए हैं, बहुत स्वादिष्ट है, खाकर देखिए. हाँ, और अगर अंतिम इच्छा में आप रामायण, गीता, कुरान
या बाइबल का पाठ करना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम ये सारी पुस्तकें अपने साथ रखते हैं। Don't dare it, sir. इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक बात नहीं है सर। क्या फायदा अगर आपका हार्ट फेल हो जाए तो? मौत को आराम से गले लगाइए सर। हर महान आदमी यही करता है सर। हिस्ट्री ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। आप इतने सीनियर होकर भी इस तरह पैनिक क्यों कर रहे हैं सर? हमारी तरफ देखिए, हम यंग हैं, फिर भी इस पूरी सिचुएशन को कितना कामली हैंडल कर रहे हैं। अपने अंतिम समय में कोई इस तरह परेशान हो, ये अच्छा नहीं लगता सर। आपकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें, वी आर प्रोफेशनल्स। मृत्यु तो जीवन का अनिवार्य सत्य है सर, जो आया है वो तो जाएगा ही। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आपकी मौत आराम से आप ही के ऑफिस में, आप ही की कुर्सी पर शांति से आए। हेल्प 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 हेलो हेलो हेल्प हेलो। क्या ये अच्छा नहीं होगा सर कि आपकी मौत हंसते खेलते आ जाए? वरना जीवन का क्या भरोसा? आप सड़क पार कर रहे होते और अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते, किसी नदी में डूबकर आप मर जाते, कोई आपको जहर दे देता, या फिर 20वीं मंजिल से कूदकर आप आत्महत्या कर लेते सर। अब कि आप इतने सीनियर हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपकी मौत एक नेचुरल डेथ लगे सर। कैसे मारोगे मुझको? वी कांट डिस्क्लोज इट सर। अरे जब मुझे मारने आए तो बता दो यार। सॉरी सर, ये हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। दूसर गोलियां नहीं? तो फिर आप परमिशन दे दीजिए। किस चीज की? आप जानते हैं सर किस चीज की? क्या तुम लोग छोड़ नहीं सकते यार? कितना देंगे वो तुम्हें? लाख? मैं देता हूं, मैं देता हूं तुम्हें 5 crore each, 5 each। मैं सर, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, वी आर प्रोफेशनल्स। या सोच लो यार। सोच लिया सर। ओके, इस कंपनी के आधे शेयर तुम्हारे। नो सर। पूरे? नो सर। सोच लो यार। सोच लिया सर। बेटी, तुम तो मेरी बेटी के बराबर। बेटी प्लीज प्लीज इधर देखो, वहां वही इधर देखो। देखो यार मैंने क्या किया। देखो बेटी प्लीज देख लो, इधर देख लो प्लीज। मिस चेट्टी, ये क्या? सुनो मेरी सुनो, ये क्या कर रही थी आप? ऐसा सिखाया मैंने आपको ट्रेनिंग में? नो सर। ये फोकस है आपका? सॉरी सर। अगर आप इस तरह इमोशनल फूल बनती रही तो कंपनी हमें दोबारा प्रोजेक्ट कैसे देगी? ये तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। ये क्या, ये बिल्कुल, तुम क्या बोल रहे हो उसको? ये तो सही कर रही थी। सुनो तुम मेरी बात सुनो, समझ आ रही है? सुनो तुम बिल्कुल ठीक, मेरी बात सुनो तुम। नहीं नहीं यार, ये इमोशनल फूल्स आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ दिस इंडस्ट्री। नहीं, आर यू गेटिंग मी? तुम मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल सही कर रही थी। मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, बिल्कुल तुम्हारी कोई गलती नहीं।
Good. Have the drink. सर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। सॉरी सर, हमारी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सर, हम हथियारे नहीं है। दिस इज अवर जॉब एंड सर यस यू विल अप्रिशिएट इट आफ्टर सीइंग अवर ड्यूटी। बैठो 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 बैठो। वो तुम्हें कितना देंगे, कितना सर? आई डोंट नो, हम लोग कंपनी के एजेंट हैं। यार फिर भी मेरे शेयर कम लग रहे हैं, ये इतनी बड़ी कंपनी के शेयर कम लग रहे हैं। क्या देना मैं नहीं मिला है? हाँ सर, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते। सर थोड़ा जल्दी कर लीजिए प्लीज, मैं गोलियां दूं आपको। नहीं सर, योर फोन इज हैक्ड। नहीं, हेलो, ये क्या? मैं हेलो बता दूंगा। इट वोंट हेल्प यू, कोई फायदा नहीं सर, इससे कुछ नहीं होगा। सर ये आपकी विल है, देख लीजिए कोई चेंजेस करने हैं तो। मैं अपनी विल में लिखूंगा मेरे हत्यारों को सजा हो। नो प्रॉब्लम सर। सर लास्ट टाइम आप अपनी फेवरेट ड्रिंक लेना चाहेंगे? अरे तुमने उसमें जहर मिला दिया होगा है ना? शुरू कीजिए। जी सर, इंजेक्शन या क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म। कितने ड्रॉप सर? 5। सर इनकी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से 5 ड्रॉप ज्यादा नहीं हो जाएंगे? 5। सर clear everything so good evening sir, क्या हम आपके 2 मिनट ले सकते हैं?